हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंग आर्या। तो मेरा घर इसी साइड था, फ्लैट मेरे इसी साइड है, पुलिस लाइन। तो यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खोला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर आके पहले खाना टेस्ट किया था, तो वहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू भी लिया जाए। और जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो मैं उन लोगों को भी अपने थ्रू बता सकूँ कि यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो प्लीज़ आप सब आके ट्राई करो। तो पहले हम इनके भैया इस भैया से बात करते हैं जो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को संभालते हैं, और जानते हैं इसके रेट्स, इसमें क्या क्या, इसकी प्राइस काफ़ी कम है। तो वो भैया ही रिवील करेंगे, मैं नहीं बताऊँगी कि कितना है। इसके प्राइस काफ़ी कम है और उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी प्लस टेस्ट, सब चीज़ बहुत अच्छा मिलता है। तो आइए हम अपने भैया से बात करते हैं। सबसे पहले तो गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। तो आप मतलब इसका नाम पेट पूजा रखा था आपने, तो ऐसा क्या था मतलब कि इसका नाम आपने पेट पूजा रखा? कुछ और भी तो नाम रख सकते हैं, जैसे सभी लोग अपने रेस्टोरेंट कुछ अपने नाम पे रखते हैं या फिर कुछ तो इम्पोर्टेंट रहता है, बट आपने बहुत ही कॉमन सा नाम रखा जो कि है पेट पूजा। तो इसका रीज़न? पहले पेट पूजा, उसके बाद देश पूजा। अच्छा, हाँ, बहुत सही भैया ने बात बोला है कि इंसान के लाइफ में तो सिर्फ खाना ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और भी चीज़ें बहुत मैटर करती है पर खाना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो उसमें सबसे पहला है पेट पूजा, फिर काम दोजा। ओके, तो यहाँ के रेट्स क्या क्या है? यहाँ रेट एकदम सिंपल सा है। हाँ? जैसे वेज थाली हो गया 50, नॉन वेज 80। ओके, तो यहाँ पर वेज थाली है 50 एंड नॉन वेज थाली है 80। तो आप वेज थाली में क्या क्या ऑफर करते हैं? रोटी, दाल, सब्जी, भुजिया, चटनी हो गया, रायता हो गया। ओके, तो यहाँ पर रोटी, दाल, सब्ज़ी। तो अगर कोई एक नॉर्मल इंसान चाहे तो आके यहाँ पर आराम से अपना एक टाइम का खाना वो बहुत अच्छे से 50 रुपीज़ में खा सकता है। तो वैसे तो और भी जगह पे होते होंगे जहाँ पर 20-25 रुपये में खाना मिले जाता है आपको एक प्लेट, तो मतलब ऐसा क्या है खास जो लोग यहाँ पर आए और वहाँ पर नहीं जाए? यहाँ पर आसपास में पुलिस लाइन में शायद 1 किलोमीटर तक कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि यहीं पर खोला जाए और घर जैसा खाना भी यहाँ पर मिलता है। ओके, हाँ, तो बेसिकली यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो मैंने भी ट्राई किया है, तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था। तो और उसके बाद मतलब अगर किसी ने चाहा कि 51 रुपीज़ में मुझे रोटी दाल छोड़ के भी कुछ मिले, तो क्या ऑप्शंस है ऐसे? ऑप्शन है, जैसे रोटी नहीं लेंगे तो चावल ले लेंगे। अच्छा, अगर रोटी चावल को छोड़ के उसको कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो क्या आप लोग वो भी प्रोवाइड करते हो या फिर नॉर्मल खाना है? अगर रोटी अगर कम खाता है तो उसके साथ दूसरा भी दे देते हैं, जैसे लच्छा रोटी भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर लच्छा रोटी सब भी मिलता है? ओके, और यहाँ पर जैसे कि ऑप्शंस क्या क्या है, मतलब जैसे कि वेज में तो सिर्फ पनीर ही ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो आप लोग और क्या ऑफर करते हैं पनीर के सिवाय? पनीर के सिवाय और यहाँ कुछ नहीं सर। अच्छा, मतलब यहाँ पर कुछ हरी सब्जियाँ ये सब उतना कुछ स्पेशल नहीं है? हरा सब्जी तो सादा भोजन खा जाता है। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ ये भी है, तो वो तो बहुत घर का टाइप का खाना हो जाएगा, बहुत ही कॉमन सा। ओके, तो ये रहा आज हमारा बात। और अच्छा, बेसिकली आपने इसका रेट इतना कम क्यों रखा है, मतलब 50 रुपीज़ और 80 रुपीज़? वैसे तो चिकन विकन कहीं पे भी जाइए अच्छे रेस्टोरेंट में तो बहुत ही महंगा कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 300 से तो कोई नीचे आने का नाम ही नहीं लेता, पर आपने इतना कम किया जस्ट 80 रुपीज़, और उसमें भी आप आई थिंक आप लोग दोबारा लेने का ऑप्शन देते हैं कि मतलब आप दोबारा ले सकते हो इस टाइप से, कोई वैसा नहीं कि आपको जितना एक बार मिल गया आपने खा लिया। तो आपने इतना कम क्यों रखा? जैसे भेज थाली में जो भी स्टूडेंट लाइफ है, अच्छा, कोई यहाँ पर सरकारी आदमी भी कुछ लोग हैं, ओके, तो वो सब ज़्यादा सादा भोजन पसंद करते हैं, इसलिए कम रेट में ज़्यादा सादा भोजन हम लोग ऑफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मतलब ये बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ये खोला गया है ताकि स्टूडेंट लोग आकर अपना अच्छे से पेट भर सके। और यहाँ पर काफ़ी मतलब पुलिस लोग में भी काफ़ी लोग घूमते रहते हैं, तो वो लोग भी बहुत ही कम बजट में एक अच्छा खासा भोजन कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ हो रहा था, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ गया। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये इस साइड का लाइक किचन था, किचन में काफ़ी अच्छी हाइजीन मेंटेन की गई थी, और वहाँ पे वर्कर्स लोग हमारे लिए और सबके लिए खाना भी बना रहे थे। उसके बाद सॉरी, उसी के जस्ट साइड में था हमारा मिरर, अगर कोई लड़की चाहती है खाना खाने के बाद टचअप एंड ऑल तो वो भी वहाँ इजीली कर सकती है, मतलब अपना थोबड़ा वो देख सकती है। यहाँ पे मैं हाय कर रही थी तो बस, और वहाँ का काफ़ी इंटीरियर भी मुझे काफ़ी पसंद आया था, मतलब अच्छी है। तो गाइस जब मैं यहाँ पर सारे कस्टमर लोगों से बात कर रही थी तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर लाइक पनीर, ऐसे आप वेज अगर खाते हो तो वेज में तो आपके पास सिर्फ एक ही दो ऑप्शन बच जाते हैं, जो कि होता है पनीर एंड द सेकंड वन इज़ मशरूम, बट यहाँ पे मशरूम उस दिन अवेलेबल था नहीं,
तो वहाँ पर सारे लोगों ने, वैसे तो मैंने जब पूछा कि आपको वेज में क्या पसंद है, तो सभी लोगों ने बोला कि आप यहाँ का पनीर चिली मस्ट ट्राई करें, वो काफ़ी अच्छा होता है। और मैंने भी ट्राई किया है पहले भी, पनीर चिली काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप नॉनवेज में कुछ ट्राई करना चाहते हो तो इन कस्टमर के अकॉर्डिंग आप मटन ट्राई कर सकते हो, वहाँ का काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है वो। तो इन भैया लोग से बात करते समय मुझे बहुत अच्छा लगा था, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया था, बट कुछ नॉइज़ इशू के होने की वजह से मैं उन लोगों के वॉइस इसमें नहीं डाल सकती थी, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट जब मैं इन लोगों से बात कर रही थी तो ये लोग काफ़ी हैप्पी थे यहाँ के खाने वाने को लेकर, तो डैट्स अ गुड थिंग। और फिर बस ये काफ़ी हो गया कस्टमर के बारे में, फिर हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे अपना रिव्यू दूंगी कि यहाँ का खाना कैसा था एंड ऑल। तो अभी हम लोग यहाँ पर, हमारे लिए मेरे लिए और मेरी बहन दोनों के लिए खाना उन्होंने दिया था, जिसमें था लच्छा पराठा, पनीर चिल्ली, रसगुल्ले, और मेरी बहन के थाली में था चिकन, और प्लस वेज में जितनी भी वैरायटीज थी वो सारी। उसके बाद खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तो पहले भी ट्राई किया हुआ तो मैं ये दोबारा ट्राई कर रही थी, बट ये मस्ट है, आप लोग प्लीज़ आके ट्राई करना। इन लोगों ने इतने सारे अच्छे अच्छे खाने हमें दिए थे खाने के लिए, और आप लोग भी ज़रूर मेरी कैमरामैन का बहुत देर से कुछ वीडियो आ नहीं रहा था, ये मेरी वीडियो में आ नहीं रही, तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो लिया जाए। सो टेस्ट करो। टेस्ट करो और बताओ कैसा है। तुम पहले नॉनवेज टेस्ट करो, क्योंकि वेज तो मैं भी बता दूंगी कि कैसा है। कैसा है इसका टेस्ट? बहुत बढ़िया गाइस, अच्छी आगे ट्राई करो, काफ़ी अच्छा। मजाक नहीं कर रहा हूँ।